दोस्तों प्राचीन के लिए हमेशा रहस्य और जिज्ञासा का विषय रहे हैं। यूपी के झांसी से करीबन 70 किलोमीटर दूर गढ़ कुंडार में भी ऐसा ही किला है जो काफी रहस्यमय है। इस किले में 2 फ्लोर का बेसमेंट है। बताते हैं कि इस किले में इतना खजाना है कि पूरा भारत अमीर हो सकता है। एक बार यहाँ घूमने आए पूरी की पूरी बारात गायब हो गई थी। गायब हुए लोगों का आज तक पता नहीं चल पाया। इसके बाद नीचे जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया। ये किला करीब 2000 साल पुराना है। झांसी के मऊ रानीपुर नेशनल हाईवे से करीबन 18 किलोमीटर अंदर मऊ कुंडार का किला पड़ता है। 11वीं सदी में बना यह किला करीबन 5 मंजिल का है। 3 मंजिल तो ऊपर है लेकिन 2 मंजिल जमीन के अंदर है। यह कब बनाया गया, किसने बनाया, इसकी जानकारी उपलब्ध ही नहीं है। बताते हैं कि ये किला 1500 से 2000 साल पुराना है। यहाँ चंदेलों, बंदेलों, खंगार और कई शासकों का शासन रहा। गढ़ कुंडार को लेकर लेखक वृंदावन लाल कुमार ने एक किताब भी लिखी है। इस किताब में भी गढ़ कुंडार के कई रहस्य दर्ज हैं। घूमने आई बारात हो गई थी गायब। आसपास के लोग बताते हैं कि काफी समय पहले यहाँ पास के गांव में एक बारात आई थी। बारात यहाँ किले में घूमने आई और घूमते घूमते वह बेसमेंट में चले गए। बेसमेंट में जाने के बाद बारात गायब ही हो गई। उन 50-60 लोगों का आज तक पता ही नहीं चल पाया। इस घटना के बाद किले के नीचे जाने वाले सभी दरवाजों को बंद कर दिया गया। यह किला भूल भुलैया की तरह है। ज्यादा जानकारी न होने पर अधिक अंदर जाने के बाद कोई भी दिशा भूल हो सकती है। दिन में भी अंधेरा रहने के कारण दिन में भी ये किला डरावना लगता है। किले में है खजाने का रहस्य। खजाने को तलाशने के चक्कर में कईयों की जान भी गई है। ये गढ़ कुंडार का किला काफी रहस्यमय है। कहा जाता है कि इसके बेसमेंट में अभी भी कई रहस्य मौजूद हैं। बेसमेंट के 2 फ्लोर बंद कर दिए गए हैं। कहा जाता है कि खजाने के रहस्य इसी में छुपा हुआ था। इतिहासकार हरि गोविंद सिंह कुशवाहा बताते हैं कि गढ़ कुंडार बेहद ही संपन्न और पुरानी विरासत रही है। यहाँ के राजाओं के पास कभी भी सोना, हीरे, जवाहरात की कमी नहीं रही। कई विदेशी ताकतों ने खजाने को लूटा। स्थानीय चोर विचक्कों ने भी खजाने को तलाशने की कोशिश की। वो कहते हैं कि इस किले में इतना खजाना है कि भारत देश भी बहुत अमीर हो सकता है। किले के नीचे 2 मंजिला भवन है। इसी के अंदर खजाने का रहस्य छुपा हुआ है। सुरक्षा की दृष्टि से बेजोड़ नमूना। ये किला सुरक्षा की दृष्टि से बनवाया गया एक ऐसा बेजोड़ नमूना है जो अब तक लोगों को भ्रमित कर देता है। किला एक ऊंची पहाड़ी पर 1 हेक्टेयर से अधिक वर्गाकार जमीन पर बना हुआ है। किला इस तरह बनवाया गया है कि 4-5 किलोमीटर दूर से दिखता है लेकिन नजदीक आते आते किला दिखना बंद हो जाता है। जिस रास्ते से किला दूर से दिखता है उसी रास्ते से आएंगे तो वह रास्ता किले की बजाय कहीं और जाता है, जबकि किले के लिए दूसरा रास्ता है। ये है किले का इतिहास। बुंदेलखंड के किलों पर PHU से शोध करने वाले अजय सिंह के मुताबिक ये किला चंदेल काल में चंदेलों का सुभाई मुख्यालय और सैनिक अड्डा था। यशो वर्मा चंदेल ने दक्षिण पश्चिमी बुंदेलखंड अपने अधिकार में कर लिया था। इसकी सुरक्षा के लिए गढ़ कुंडाल में कुछ निर्माण कराया गया। इसमें किलेदार भी रखा गया। 1182 में चंदेलों और चौहानों का युद्ध हुआ जिसमें चंदेल हार गए। इसमें गढ़ कुंडार के किलेदार याजू पवार की जान चली गई। इसके बाद यहाँ नायाब किलेदार खेत सिंह खंगार ने खंगार राज्य स्थापित कर दिया। 1187 से 1257 तक यहाँ खंगार राज ही रहा। इसके बाद बुंदेला राजा सोहन पाल ने खुद को स्थापित कर लिया। 1257 से 1539 तक यानी 283 साल तक इस पर बुंदेलों का शासन रहा। इसके बाद ये किला वीरान होता चला गया। 1605 के बाद ओरछा के राजा वीर सिंह देव ने गढ़ कुंडार की सुध ली। उन्होंने प्राचीन चंदेला युग कोठारी बोतल घर का उद्धार कराकर गढ़ कुंडाल किलो की पहली पंक्ति में स्थापित कर दी। 13वीं से 16वीं शताब्दी तक बुंदेला शासकों की राजधानी रहा। 1531 में राजा रुद्र प्रताप गढ़ कुंडार से अपनी राजधानी ओरछा बना ली।
गढ़ कुंडार के पुनः निर्माण से नई पहचान देने का श्रेय खंगारों को है। खेत सिंह गुजरात राज के राजा रुड़देव के बेटे थे। रुड़देव और पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर सिंह अभिन्न मित्र हुआ करते थे। इसके चलते पृथ्वीराज चौहान और खेत सिंह बचपन से ही मित्र हो गए। राजा खेत सिंह की गिनती पृथ्वीराज के महान सेना में की जाती थी। दोस्तों ये वीडियो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।